नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश के कानपुर हिंसा से जुड़े मामले में रोज रोज नए नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले का हिंसा के मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी का एक मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें कानपुर में बंदी की साजिश का खुलासा हुआ है। इस चैट से साफ पता चलता है कि यह हिंसा संयोग से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी साजिश है। हिंसा के मुख्य आरोपी हाशमी ने केवल दिखावे के लिए कानपुर बाजार बंद को वापस लिया था। ये एक नाटक था जिसका मकसद पुलिस को गुमराह करना था। कानपुर की नई सड़क पर हुए बवाल के मास्टरमाइंड और मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख जफर हयात हाशमी के मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके मोबाइल में पुलिस को कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट ग्रुप में दिया जा रहा था। कोई वीडियो डाल रहा था तो कोई फोटो और मैसेज भेज रहा था। बाजार बंदी का हयात लगातार ग्रुप पर आह्वान कर रहा था। हाशमी के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इस चैट में सदस्य कानपुर में बाजार बंदी के फोटो शेयर कर रहे हैं। एक चैट में लिखा है, माशाल्लाह पेजबाग व्यापार मंडल। इसी चैट में आगे किसी ने लिखा है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वीडियो आएगी, रहमानी मार्केट बंद। ग्रुप में लोग बाजार बंद को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हाशमी के व्हाट्सएप चैट में बाजार बंद के वीडियो और फोटो मिले हैं। इसमें वो लोगों को रोकने के बजाय उन्हें भड़का रहा है। पुलिस ने इसको साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया है। पुलिस का कहना है कि हयाज जफर हाशमी और उसके साथी जावेद, सुफियाना और राहिल से अलग अलग पूछताछ की गई है। सभी के बयान अलग अलग थे, लेकिन कुछ बातें एक जैसी थी। सभी ने कहा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब को लेकर बयान दिया था, वैसा भविष्य में कोई ना करे। इसके चलते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन को हिंसा के लिए चुना गया। हिंसा की साजिश करने वालों का कहना है कि उनका मकसद पूरा हो गया। देश के शीर्ष तक उनकी बात पहुंच गई है। आरोपियों ने कहा है कि बाजार बंदी का प्लान सिर्फ कानपुर का नहीं था, कोशिश ये थी कि हर शहर में ऐसा हो। आपको बता दें कि हयात हाशमी के मोबाइल में उसके व्हाट्सएप पर 141 ग्रुप मिले हैं। हिंसा वाले दिन यानी कि 3 जून को हयात 14 ग्रुप पर ज्यादा सक्रिय था। सबसे ज्यादा बातचीत और अपडेट MMS जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के ग्रुप में किए गए थे। हयात बाजार बंद कराने वालों का हौसला बढ़ रहा था। उसके बाद बाजार बंद होने के फोटो वीडियो अपडेट होने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हयात जफर हाशमी की पत्नी भी काफी सक्रिय रही। वो भी बंदी से लेकर बवाल तक की तमाम वीडियो और फोटो साझा कर रही थी। कई मैसेज भी डाले गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाशमी की पत्नी ही इस ग्रुप की एडमिन है। पुलिस एक एक मैसेज के बारे में जांच कर रही है। साथ ही इन ग्रुप में कौन कौन लोग जुड़े हैं और कहां के हैं, इसका पूरा ब्योरा खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि 3 जून शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर के बेकनगंज में हिंसा भड़की थी। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ था। विवाद दुकानें बंद कराने को लेकर शुरू हुआ था, जो बड़े बवाल में तब्दील हो गया। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।